नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रीति भंडारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। नियंत्रण रेखा पर नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार भी दागे गए, जिसके चलते इलाके में 9 स्कूलों में 100 से ज्यादा स्कूली बच्चे फंसे हुए हैं। सीमा पार से हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 12 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मायावती राज्यसभा में बोलने की इजाजत न मिलने से गुस्से में थी। बोलने की परमिशन न मिलने पर भड़की मायावती इस्तीफे की धमकी देते हुए सदन से बैकआउट कर गई। बताया जा रहा है कि सभी संसदों में ने मायावती को इस्तीफा देने से रोका, मगर वो नहीं मानी और अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट वेंकैया नायडू ने किसान होने और गांव गरीबों से जुड़े होने की छवि को बीजेपी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि नायडू एक किसान के बेटे हैं और दक्षिण भारत से निकलकर पूरे भारत की पहचान बन गए हैं। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने आनंदपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच पर राजपूत संगठनों की मांग पर सहमति दे दी है। सरकार की ओर से गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंगलवार को इसकी जानकारी दी। बिहार में एक बार फिर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरजेडी प्रमुख के परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 13 फर्जी कंपनियों के जरिए बेनामी संपत्ति का मालिकाना हक लिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने वयस्क होने के बाद 13 बेनामी संपत्ति की मालिकाना हक लिया है। मायानगरी मुंबई में एक आईएएस दंपति के बेटे के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। परिजन इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में मृतक के 2 दोस्तों को हिरासत में ले लिया है। नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने साल 2016 के 30 दिसंबर तक अपने पुराने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट नहीं बदलवाए थे, केंद्र सरकार ने उनके लिए नोट बदलवाने का एक और मौका देने से इनकार कर दिया। साथ ही सरकार ने एक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ऐसा करने से काला धन नष्ट करने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। ककरवई झांसी में डायल 100 नंबर शिकायत करने पर प्रभारी संतोष कुमार द्वारा शिकायत करने पर किसानों से की गई गाली गलौज के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में ककरबई थाने में धरना प्रदर्शन किया। वहीं सभी गांव वाले संतोष कुमार को सस्पेंड किए जाने की मांग कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि हमको न्याय मिलना चाहिए, अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम थाने से धरना नहीं हटाएंगे। हाजीपुर के सराय बाजार थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद वहां अफरा तफरी मची हुई है। जानकारी के मुताबिक हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 77 पर तेज रफ्तार से आ रही बस ने ऑटो रिक्शा में ठोकर मार दी। राष्ट्रव्यापी दौरे पर निकली प्रतिष्ठित साइंस एक्सप्रेस प्रदर्शनी ट्रेन ने 1,53,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 9वें चरण की यात्रा पूरी कर ली। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग पहुंची साइंस एक्सप्रेस प्रदर्शनी ट्रेन अब तक 495 स्थानीय और प्रदर्शनी कर चुकी है और 1.64 करोड़ लोग इसे देखने आए। भारतीय सेना का डोकलाम में मजबूती से खड़े रहने से बौखलाया चीन, अब धमकी पर उतर आया है। चीन ने कहा कि भारत को विवाद गहराने से पहले डोकलाम इलाके से सेना को तत्काल हटा लेना चाहिए। पेंचिंग ने कहा कि नई दिल्ली डोकलाम की स्थिति का इस्तेमाल राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए पॉलिसी टूल के तौर पर नहीं करें। महीने भर में पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी गिरावट आ गई है। रोजाना समीक्षा के फैसले से अभी तक को ग्राहकों को फायदा होता ही दिख रहा है। 16 जून को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 65.48 रुपये प्रति लीटर थी, जो 15 जुलाई तक घटकर 64.03 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इस तरह से पेट्रोल की कीमत में महीने भर में उतार चढ़ाव के बावजूद 1.45 रुपये प्रति लीटर की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच को लेकर ऊहापोह की स्थिति आखिरकार खत्म हो गई है। टीम इंडिया के मुख्य कोच चुने गए रवि शास्त्री के पसंदीदा भरत अरुण को आधिकारिक तौर पर गेंदबाजी कोच बना दिया गया है, जबकि जहीर खान और राहुल द्रविड़ को लेकर BCCI ने कुछ साफ नहीं किया। न्यू जर्सी में आईफा अवार्ड के दौरान परिवारवाद ने धूम मचाया जैसी टिप्पणी करने को लेकर
सोशल मीडिया के निशाने पर आए अभिनेता वरुण धवन ने माफ़ी मांगी है। वरुण ने ट्वीट किया, मैं माफ़ी मांगता हूं और अफसोस जताता हूं, अगर मैंने किसी को उस एक्ट से तकलीफ या चोट पहुंचाई है तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं। बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए A1 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।